चंद महीनों में प्रोफेशनल पोर्ट्रेट बनाना सीखें और घर बैठे अपनी हॉबी से अर्निंग करें तो आज ही ज्वाइन करें रहा एकेडमी। तो गाइज इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए कि किस तरीके से मैं अपने स्टूडेंट को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मेरा ब्रश चलाने का तरीका आप देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आर्ट फील्ड में जो कि देखने से ही आप सीखोगे, ठीक है। तो आप देखिए किस तरीके से मेरा मूवमेंट है। इस टाइम जो मैं यूज़ कर रहा हूँ 000 का मेरे पास ब्रश है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आइज़ के अंदर, ठीक है, तो डार्क कलर का। तो यही जो थोड़ा सा टचअप मैंने इसके अंदर करके दिखाया था अपने स्टूडेंट को आइज़ के अंदर, तो ऐसे ही आप भी ट्राई करिए, देखिए किस तरीके से मेरा ब्रश चल रहा है। बाकी आप इस वीडियो को देखिए ध्यान से, आपको समझ में आए, देखिए किस तरीके से मैंने स्ट्रोक लगाया, ठीक है। उधर की तरफ से मैं नीचे की तरफ लेके आया इसको ब्रश को, ठीक है ना। और फिंगर मेरी ध्यान रखिए कहाँ मैंने फिंगर टच कर रखी है, एक सपोर्ट ले रखा है मैंने अपनी ये जो फिंगर से। और अभी ये जो मेरे स्टूडेंट है ये कर रही है इस पोर्ट्रेट पर, उसको हेयर समझाए थे मैंने कि हेयर्स पे वर्क कैसे करें। ये भी 000 से ही ब्रश यूज़ करिए, बट अभी इसको देखो एक प्रॉब्लम आप देख रहे होगे, फिंगर ही अच्छे से जो है टच नहीं कर पा रही है, बट धीरे धीरे सीख जाएगी। अब इसका फर्स्ट ही कैनवस था ऑयल पेंटिंग पोर्ट्रेट जो इसको करवाई थी, देख रहे हो ना। तो कुछ कमियां जैसे इसने होल्ड थोड़ा पास से कर रखा है ब्रश को, तो आप थोड़ा दूर से होल्ड करें ब्रश को। जो इसमें जो सिल्वर का जो पार्ट है ना ब्रश का, उससे पीछे से ही आप होल्ड करिए ब्रश को। देखिए हल्का सा ब्लू टोन है इसके अंदर, हेयर्स के अंदर, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। और बाकी जो कलर पैलेट है इसको भी, इसकी तो कलर पैलेट का कवाड़ा हो रखा है पूरा, बाकी एक ही क्लीन करा के फिर दूसरा करा देंगे, चेंज करा देंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मैं इसको समझा रहा हूँ किस तरीके से ब्रश, देखिए मेरे ब्रश चलाने का तरीका देखिए और उसका, ठीक है। तो ये कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, जबकि मैंने देखो फिंगर भी नहीं टच कर रखी है तब भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे जैसे आपको टाइम हो जाएगा अपने काम के अंदर, तो आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, मसल मेमोरी बिल्ड हो जाती है, ठीक है। देखिए कितना अच्छा पोर्ट्रेट लग रहा है, इसका फर्स्ट पोर्ट्रेट ही इसको करवाया था, पर इसमें टाइम बहुत लगा है, टाइम कंज्यूमिंग था ये, मेहनत बहुत लगी है। ये मान के चलिए कि 90% तो इसने कराया, 10% मेरी गाइडेंस होगी। ये देखिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।